डेसिमल से बाइनरी कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे, ठीक है, और इसमें हमेशा राइट से लिखेंगे, 2 की पावर बढ़ते हुए, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, ऐसे लिखते जाएंगे 2 की पावर 4, ठीक है ना। इनकी वैल्यू क्या होती है, 2 की पावर 0 होती है 1, 2 की पावर 1 होती है 2, 2 की पावर स्क्वायर रहता है 4, 2 का क्यूब होता है 8, 2 की पावर 4 होता है 16, ठीक है ना। अब आप ये बताइए इनमें से किन चीज़ का यूज़ करके हम 13 बना सकते हैं, तो 16 की तो ज़रूरत नहीं है। 8, 4, हाँ इन चारों में से हम कोई एक यूज़ करेंगे, 8 का यूज़ कर लेंगे, 8 8 प्लस 4 12। अब जैसे हम ये 2 का यूज़ करेंगे 14 आ जाएगा, समझो कि 13 से ज़्यादा, तो इसका यूज़ नहीं करेंगे, इसका कर सकते हैं। तो 8 प्लस 4 12 12 प्लस 1 कितना आ जाएगा, 13। तो इसको हम जिन जिन की वैल्यू हमने एक्सेप्ट करी है उसको 1 बोलते हैं, इसको भी हमने नहीं लिया है तो इसको 1 बोलेंगे, इसको हमने नहीं लिया है तो इसको बोलेंगे 0, और इसको हमने लिया है तो इसको बोलेंगे 1। तो ये हो जाएगा इसका काहे में, बाइनरी में।